हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज आप मेरे वीडियो में न्यू ईयर स्पेशल ब्लाउज डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले आप लाइनिंग वाला ब्लाउज है अगर तो लाइनिंग काट लें। बॉटनेक है, 4 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है, और ये लिया है मैंने 3.5 इंच। नीचे से 2.5 इंच। एक बात ध्यान रखें, इस ब्लाउज की लेंथ जो है आपको अपनी लेंथ से 1 इंच बढ़ानी है इस डिज़ाइन के लिए। ये जो मैंने लाइन खींची है यहाँ से हमारा ब्लाउज कट होगा और वापस से जुड़ेगा, तो इसके लिए जो भी लेंथ है आपकी उससे 1 इंच ज़्यादा रखें। सिंपल और सुंदर डिज़ाइन है ये। यहाँ से हम जब काटेंगे तो 2 पीस हो जाएंगे इसके, और इन 2 पीस को वापस जोड़ने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि 1 इंच आपको लंबाई बढ़ानी है इसकी। ये इस तरह से एक के ऊपर एक जोड़ने पर आएगा, और फिर हमारी लेंथ जो है उस अकॉर्डिंग कम हो जाएगी अपने आप। तो ब्लाउज पीस है उसे भी हमें इसी अकॉर्डिंग कट कर लेना है अस्तर को रखकर। तो ये कटिंग हो जाएगी हमारी। अब जो नीचे वाला हिस्सा है देख रहे हैं आप, 2 पीस हो चुके हैं, तो नीचे वाले से शुरुआत करते हैं। तो नीचे वाले हिस्से को हमें फोल्ड करना है, तो 1/2 इंच सिलाई लगा दें और इसको हमें वापस से फोल्ड करना है। और इसी तरह से हमें चारों तरफ से इसको सिंपल अटैच करना है। तो ये नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा। पीछे के लिए डार्ट है तो डार्ट पर भी आप मशीन चला लें। अब जो ऊपर वाले हिस्से हैं उसे भी हमें सिंपली जोड़ लेने हैं। जो नीचे हिस्सा हमने जोड़ के रखा है वहाँ पर हमें पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग 1 इंच लेनी है हमें, यानी और ये पट्टी 1 इंच लेनी है। जहाँ गोलाई आए वहाँ हल्का सा खींच लें, लेकिन जहाँ पर कॉर्नर बने हैं वहाँ पर आप इस पाइपिंग को ज़्यादा नहीं खींचें, अदरवाइज कोने जो हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे।
इस तरह से फोल्ड कर लें। ताकि पाइपिंग लगाने में अगर आपको नहीं भी आती है तो आसानी हो जाएगी। और अब सीधी तरफ से जितनी पाइपिंग आपको चाहिए बारीक मोटी, तो उस हिसाब से इस तरह से लगाते रहें। सिंपल और सुंदर डिज़ाइन है ये, आप आसानी से बना सकते हैं। अब जो ऊपर वाला हिस्सा हमने जोड़ा है वहाँ पर भी हमें पाइपिंग लगानी है। तो दोनों हिस्से इसी तरह से पाइपिंग के साथ हमें कर लेना है। अब नीचे जो हिस्सा है आप चाहें तो एक लेस लगा सकते हैं, उससे थोड़ा सा ग्रेस बढ़ जाएगा इसका। अब देखिए दोनों जो ऊपर वाले हिस्से हैं, जोड़ने से पहले हमें अपनी लंबाई नापनी होगी। 13.5 है हमारी, तो ये अभी 14 है, ऊपर 1/2 इंच का शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। तो पहले अपनी लेंथ देख लें, उसके बाद अटैच करें। दूसरी तरफ भी इसी तरह से आपको लेंथ नापनी है और उसके बाद अटैच करना है। ये वाली लेस अगर आप चाहें तो ऊपर भी लगा सकते हैं। अब हमें गले की तरफ पाइपिंग लगानी है और पाइपिंग के साथ में ही हमें रखनी है डोरी भी, यानी डोरी हमें अलग से अटैच नहीं करनी है। तो मैंने लंबी ले ली है ये और रिब। गले पे अटैच करने के बाद जितनी आपको डोरी चाहिए उतनी लंबी आप इस ओरेब को रख लें। ये देखिए ये ओरेब पट्टी है। अब इस पट्टी को आपको इस तरह से फोल्ड करना है और एक तरफ से इसका मुंह बंद कर लेना है। और जितनी बारीक आपको बनानी है उस हिसाब से इस पर सिलाई लगानी है। जहां हमारा गला जॉइंट है वहां तक ही हमें ये सिलाई लगानी है, जहां गले की पाइपिंग आ जाती है बस वहीं तक। अब जिस साइड से हमने मुंह बंद कर रखा है इस पट्टी का, वहाँ से आपको एक तार की मदद से इसको फोल्ड करना है। जैसे हम सिंपली डोरी फोल्ड करते हैं उस अकॉर्डिंग आपको इसको फोल्ड करना है। तो देखिए ये डोरी हो जाएगी हमारी। और बाकी हिस्से पर हमें पाइपिंग लगानी है, तो उसके लिए मैंने मशीन को मोटा कर लिया है। आप अपनी इच्छा से अपने तरीके से लगा सकते हैं पाइपिंग। तो ये मैंने मोटी सिलाई की है।
अब जो है सीधी तरफ से हम ये सिलाई वापस लगा लेंगे, वो भी बिल्कुल पाइपिंग के पास पास, और जो हमने पहली सिलाई लगाई है उसे हम निकाल देंगे। तो दूसरी तरफ भी इसी तरह से हमें पाइपिंग और डोरी लगानी है। और ये फिर इस तरह से बंध जाएगी। अब नीचे अगर आप यूं ही रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा बो वगैरह लगाना चाहते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने इस तरह से कपड़ा लिया है और इसमें हमने बीच में थोड़ा सा छोड़ दिया है जहाँ से हमें इसको वापस से फोल्ड करना है। ये देखिए बीच में इतनी जगह मैंने छोड़ दी है, ये देखिए खुला हिस्सा है वो दब जाएगा। और दो डोरी भी मैंने इस तरह से तैयार की है। अब देखिए सुई की मदद से हमें बो बनाना है। अब जो हमने रेड पट्टी तैयार की है वो इसके ऊपर लगा लेनी है। तो ये सारा काम जो है आपको हाथों से करना होगा। और ये जो पट्टी हमने लगा बना रखी है वो आप इसके नीचे रख सकते हैं, लगा सकते हैं। और उसके बाद हमें इसे बीचों बीच अटैच कर लेना है। और डोरी में भी आप लटकन फूंदे कुछ भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और आने वाला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।